डेस्परेट क्रिमिनल्स को हमारे स्पेशल स्टाफ ने कड़ी मेहनत करके पकड़ा है। कुछ डेस्परेट क्रिमिनल को के ऊपर 50,000 का रिवॉर्ड भी था। उन क्रिमिनल्स को बहुत मेहनत करके हमारे स्पेशल स्टाफ ने हमारी ही केस है, मयूर विहार का केस, जो है वारदात 20 और 21 की बीच, जनवरी की 20 और 21 की बीच वाली रात की घटना है, उसमें जो वांटेड थे उनको पकड़ा है। इंसिडेंट ये है कि 20 और 21 रात के बीच में 1 बजे के करीब हमारी पेट्रोलिंग स्टाफ को एक इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ लोग गोली चला रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। तब हमारी स्टाफ मौके पे गई है, तब हमें एक आदमी को चाकू लग के मिला है, और जिन्होंने वार किया है वो सारे भागे हुए थे, और एक को चोट लगी हुई थी, वो हमें इंफॉर्मेशन बता रहा था। जो हमें वहाँ मौके पे मिला था वो राशिद है, राशिद खान, ये रहता है त्रिलोकपुरी में, और जिसको चाकू लगी है वो है रविंदर एलियास बबलू, ये रहते हैं गीता गीता कॉलोनी कॉलोनी, में, गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी में। तो इनको चाकू लगी है, और राशिद हमें मिले थे, जिन्होंने बताया कि मेरे दोस्त हैं जो मुझसे मिलने आए थे, उनको मेरे जानकार जो मुझसे एनिमिटी में है, जो दुश्मन है, उन्होंने वार किया और मुझे मारने के लिए आए थे, और उन्होंने गोली भी चलाई थी, 3 गोलियां चली थी, जो कि मुझे लगी नहीं, मैं बच गया, बट मेरे दोस्त को उन्होंने चाकू मार दिया है, ये इंसिडेंट उन्होंने बताया है। तो इमीडिएटली हमारे स्टाफ ने जो जो एविडेंस हो सकता है, जो समीर है, आसिफ है और शाबाज है, इनको सर्वेलेंस पे डाल रहे थे। हमें इंफॉर्मेशन कुछ दिन पहले ये आ गया था कि जो शाबाज है, ये शाबाज और आसिफ, ये दोनों साथ में रह रहे थे और ये अजमेर में रहने लगे हैं, और हमारे पास जो समीर का इंफॉर्मेशन था, ये अपने मौसी के साथ रहने लगा है जो कि अलीगढ़ में रहता है। उसके अलावा हमारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। हम फिर भी इनके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ही रहे थे। जैसे ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, ये मिला था कि समीर जो है अपने मौसी के घर से दिल्ली आ रहा है, दिल्ली आके पैसों के लिए आ रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, अपने घर में कांटेक्ट करने की कोशिश करने वाला है और पैसों के लिए आ रहा है, और दिल्ली आके फिर वापस अलीगढ़ जाने का प्लानिंग कर रहा है। तो हमें लगा कि यही मौका है कि इसको पकड़ना है। हमने पूरा अपना सर्वेलेंस और अपना टीम ने लोकल इंटेलिजेंस के बेस पे समीर को पकड़ लिया है, जब वो अलीगढ़ जाने के लिए तैयारी कर रहा था, हमने इनको पकड़ा है नोएडा लिंक रोड समाचार अपार्टमेंट के पास से। हमारे दो और मुजरिम जो बचे हुए थे वो है शाबाद और आसिफ, ये दोनों साथ में रहने लगे थे अजमेर में, जिसका कोई लोकेशन या इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रहा था। हमें ये इंफॉर्मेशन मिला था कि ये दोनों जो है अपना नोएडा शिफ्ट होने की प्लान कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने कोई घर वगैरह ले लिया है और वहाँ पे रहने की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये लोग जो है अपने फैमिली को मिलने आए थे, उनका भी यही प्रॉब्लम था कि उनके पास भी पैसे ख़त्म हो गए थे, और पैसों के लिए ये फैमिली से मिलने जब आए थे, हम उन लोग उनको गाजीपुर पेपर मार्केट से हमने इनको पकड़ लिया है। इसमें शाबाद जो है ये 9th क्लास का पास है, 23 ईयर्स ओल्ड है, इसके ऊपर एक क्रिमिनल केस है, आसिफ एलियास दिलशाद एलियास कालिया, ये 33 ईयर ओल्ड है, 5वीं क्लास स्कूल पास है, और ये ई रिक्शा ड्राइवर है, और इनके ऊपर 30 क्रिमिनल केसेस है, रॉबरी स्नैचिंग बर्गलरी आर्म्स एक्ट के। और समीर एलियास माशा, ये भी 9th क्लास पढ़ा हुआ है, और ये ड्राइवर का काम करता है, ऑटो ड्राइवर का काम करता है, और इनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये अपने बैड कंपनी की वजह से गलत कामों में शामिल हो रहा है। इनके पास से एक स्कूटी भी हमारे पास रिकवर हुई है, जो है लक्ष्मी नगर से चोरी वाली स्कूटी, 2019 का चोरी का है। इसमें जो बाकी लोग जो अरेस्टेड है पहले, जो हमारे गीता गीता कॉलोनी, कॉलोनी, गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी में, तो इनको चाकू लगी है, और राशिद हमें मिले थे, जिन्होंने बताया कि मेरे दोस्त हैं जो मुझसे मिलने आए थे, उनको मेरे जानकार जो मुझसे एनिमिटी में है,
जो दुश्मन है उन्होंने वार किया और मुझे मारने के लिए आए थे, और उन्होंने गोली भी चलाई थी, 3 गोलियां चली थी जो कि मुझे लगी नहीं, मैं बच गया, बट मेरे दोस्त को उन्होंने चाकू मार दिया है, ये इंसिडेंट उन्होंने बताया है। तो इमीडिएटली हमारे स्टाफ ने जो जो एविडेंस हो सकता है क्राइम टीम को बुला के हमने एविडेंसेस कलेक्ट किया है और लोकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया है, सीसीटीवी फुटेजेस एग्जामिन करना शुरू किया है। तो हमें लोकल इंटेलिजेंस पे एक शाहरुख नाम का आदमी को हमने पकड़ लिया है। शाहरुख पहले पकड़ा गया था, उसके बाद हमारा, क्योंकि आदमी उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, तो राशिद ने बताया कि इसमें जो इन्वॉल्व है शाहरुख है, कमरान है, सलमान है, शाबाज है, समीर इलियास माशा है, एहसान है और आसिफ है। राशिद ने बताया था कि रविंदर को जिन्होंने चाकू मारा है वो एहसान है, आसिफ है और कमरान है, और नहीं, रविंदर को जिसने चाकू लगाया है वो शाहबाज इलियास सुक्का है, सलमान इलियास बप्पी है और समीर इलियास माशा है, और जिन्होंने गोली चलाया है वो एहसान है, आसिफ है और कमरान है। तो शाहरुख हमारे पास 6 घंटों के अंदर अंदर हम कामयाब हुए उसको पकड़ने में। उसके बाद हमारा लगातार स्टाफ लगी हुई थी बाकी लोगों को पकड़ने के लिए। हमने 2 लोगों को पकड़ा है अराउंड नेपाल के बॉर्डर के नज़दीक से, वो है कमरान और सलमान। ये हमें ढूंढते ढूंढते गए थे, हमारा टीम उनको पीछा करते हुए गया था और नेपाल बॉर्डर के नज़दीक में जाके इनको पकड़े थे। और उसके बाद हमारे बाकी जो 4 लोग थे उनको काफ़ी ढूंढ रहे थे, बट किसी कहीं से हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इसी दौरान हमने इनके ऊपर PHQ से 50,000 का रिवॉर्ड भी करवा लिया था। उसी रिवॉर्ड के बाद सुनते ही ये लोग चौकन्ना हो गए और हमारे नज़र से और भी बाहर जाने लगे। उनका फ़ोन सारे हम ट्रैक कर रहे थे, सारे लोग अपने अपने VPN यूज़ कर रहे थे, उनका लोकेशन पता नहीं चल रहा था, उनके घर वालों से पूछताछ कर रहे पड़ा हुआ है। और ये ड्राइवर का काम करता है, ऑटो ड्राइवर का काम करता है, और इनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये अपने बैड कंपनी की वजह से गलत कामों में शामिल हो रहा है। इनके पास से एक स्कूटी भी हमारे पास रिकवर हुई है, जो है लक्ष्मी नगर से चोरी वाली स्कूटी, 2019 का चोरी का है। इसमें जो बाकी लोग जो अरेस्टेड है पहले, जो हमारे कमरान, सलमान, शाहरुख और एहसान, ये चारों के साथ त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। कमरान के ऊपर 17 पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन केसेस हैं, सलमान के ऊपर 41, शाहरुख के ऊपर 11 और एहसान के ऊपर 40, इतने प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। आसिफ जो है शायद इलाके का बीसी भी है। आसिफ जी, 30 इन्वॉल्वमेंट है। कौन कौन से हथियार बरामद हुए? हथियार हमारे पास वो जो नाइफ इस्तेमाल हुआ है वो बरामद हुआ है, और हमारे पास जो वेपन, फायरिंग वेपन, 3 राउंड जो फायर हुआ है वो रिकवर हुआ है। एक एक तीनों को गाजीपुर से ही गिरफ्तार किया? नहीं, 2 लोग हैं जो गाजीपुर पेपर मार्केट से गिरफ्तार किया है, वो है आसिफ और शहबाज, और समीर को हमने गिरफ्तार किया है नोएडा लिंक रोड। प्रोफाइल क्या है? मैम फायर वेपन आजकल देखा जा रहा है कि जो भी लोग तो रखते हैं उसके पास से फायर वेपन मिलता ही मिलता है, ये लोग कहाँ से प्रोक्योर करते हैं फायर वेपन? क्या ये लोग जो MP वाला, जो खरगोन वाला मॉड्यूल है उसके साथ उनका कुछ लिंक है, या फिर कहीं और से लोग वेपन मंगाते हैं? दैट वी आर येट टू एसर्टेन। सॉरी, चाकू मारी है वो भी जो रविंदर है, रविंदर एलियास बबलू है, ही इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनल। बेसिकली ये 2 ग्रुप्स है जिनको वार किया है, और वार करने वाला ग्रुप जो है दोनों ही क्रिमिनल एलिमेंट के ग्रुप्स है, उनके प्रीवियस एनिमिटी है, उसी वजह से उनकी प्लानिंग थी कि राशिद जब भी बाहर आएगा उसको मारना है, तो उन्होंने इसी प्रकार से प्लानिंग करके ही उनको अटैक किया है। और वैसे राशिद को लगी नहीं, गोली उसने चलाई थी बट उनको लगी नहीं,
बट रविंदर को उन्होंने चाकू मार दिया क्योंकि वो दोस्त था। किसी गैंग से भी इनका अभी तक तो वी आर स्टिल असर्टेनिंग दैट। बुलेट्स की बरामद है जी तीन। सॉरी अपना नहीं, उनका प्रीवियस एनिमी थी था।